हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल सिलोन माइक्रो में क्या सेंटीमेंट बन रहा है। जिस तरह से हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था, क्या वैसा परफॉर्मेंस रहा है या फिर उससे कुछ अलग रहा है। तो अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस एनालिसिस मिलती है। अगर आप देखते होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती होगी। अब साथ में अगर आप यहाँ देखना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ को देता रहता हूँ, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम चार्ट पे आ गए हैं। तो जैसा कि हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था कि ये जो रेंज बन रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेंज ऊपर ब्रेक करती है और 75,600 के ऊपर निकलती है तो फिर दोबारा 76 के लेवल पे जाएगी। लेकिन अगर इससे नीचे निकलता है तो फिर 75,000 को ब्रेक करता हुआ ये 74,800 का पहला सपोर्ट इसका लेने वाला है। उसके बाद 74,427 का दूसरा सपोर्ट लेने वाला है। तो आप यहाँ देखते हैं, मार्केट खुलता है, रेंज बनाता है, धीरे धीरे अप डाउन करता हुआ। दोनों टारगेट हमारे होते हैं, टारगेट वन हमारे यहाँ था, टारगेट टू यहाँ था। क्लोजिंग बेसिस पे अगर बात करें कल से और आज का लेवल जो आप देख रहे हैं, लगभग 250 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर नीचे मार्केट लगभग 800 पे आया, उसके बाद में 400 पे आया, मतलब 600 पॉइंट तो यहाँ हो गया, ऊपर लगभग 900 पॉइंट का मोमेंटम इसने कल के पॉइंट से दिया है। तो हमें ऐसे मूव के लिए सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसा मैंने आपको मार्क किया था और स्पेशली बताया था ये नीचे सपोर्ट क्यों बन रहा। पहला सपोर्ट तो ये था क्योंकि यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम इसने हिट किया था, तो इसके पास जितनी पावर थी, फर्स्ट टाइम आया, उसके बाद सेकेंड टाइम आया, तो जितना पावर थी इसने रोका। और उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये लेवल बना हुआ था 74,427 का। इन केस अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर 74,400 के नीचे निकलने पे फिर दोबारा 74,000 का लेवल ही इसको रोकने वाला है। बीच में 74,250 का लेवल है, लेकिन ओवरऑल जो 74,000 का लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मार्केट बहुत दिनों से इसको तोड़ना चाह रहा है लेकिन अभी तोड़ नहीं पाया है। और ओवरऑल आज की जो पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है, अप एंड डाउन होता रहा है, लेकिन मार्केट ओवरऑल अभी भी डाउन ट्रेंड के भी फंसा हुआ है। तो ऐसे जो हमें बीच में स्पाइक मिलते हैं इस तरह के लेवल्स को ही हमें अपने आप को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, या फिर एज ए ट्रेडर हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जिस तरह मार्केट मूव करे वैसा हमें देखना होता है, बस हमें लेवल देखना होता कि हमारे लेवल के हिसाब से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, 74,800 या फिर 75,000 का आप मान लीजिए, यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। मार्केट इसके नीचे है तो हमें जब भी पोजीशन मिलेगी हम डाउन साइड के लिए रैली देखते रहेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके बताया है। 74,800 एज ए रेजिस्टेंस है, 74,427 एज ए सपोर्ट है। इन दोनों के मार्केट में मार्केट घूम रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर जाने का है 200 पॉइंट, अगर नीचे निकलता है तो लगभग 200-250 पॉइंट नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। अब 4 आवर सेटअप में अगर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स के बाद में, तो 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हैं तो लगातार लोअर लो का फॉर्मेशन है और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चलता जा रहा है। तो इस ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। स्टॉप लॉस आपका लगभग 800 के अराउंड में होना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे निकालने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज मार्केट डाउन साइड में धीरे धीरे करके दोबारा से अगर 400 को ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए जहाँ पे बॉटम क्रिएट करके ऊपर निकला था, पूरा अप्रैल महीना इसमें निकाल दिया इसने, अब मई मंथ में इस लेवल पर आया है और दोबारा देखते हैं अगर आता है तो फिर मार्केट यहाँ से दोबारा से रिवर्स लेने का कोशिश करेगा। और ऊपर ये ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। पहला रेजिस्टेंस 74,800, उसके बाद में ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस रहेगा ये 4 आवर सेटअप में। अब इसके बाद में अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप फ्रेंड देखना चाहें तो मार्केट अभी ओवरऑल 400 पॉइंट में फंसा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जो मूवमेंट रही है आज की जबरदस्त रही है। अगर हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट को अगर आप देखते हैं, सिंपल मूवमेंट लगभग 700-800 पॉइंट का है, लेकिन अब पूरे दिन का रेंज अगर आप देखना चाहें लगभग इसमें 900 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम दिया है। क्योंकि कल की क्लोजिंग जो थी मार्केट की वो लगभग इसने क्लोज किया था लगभग 300 पॉइंट के अराउंड में, और अभी इसने लो का टच किया है लगभग 435 के अराउंड में, मतलब लगभग 900 पॉइंट का श्योर मूव इसने किया है डाउन साइड के लिए। तो इस तरह से मूव आपको मिलते रहते हैं, बस आपको रैली इंजॉय करनी है और एक जो रेंज बनती जा रही है डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। और साथ में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लीजिए, अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ से अभी जैसा आप देख रहे हैं कि मार्केट 844 के आसपास चला गया है, तो यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस करिए और ऊपर निकलने पे मार्केट के साथ आप रैली को एंजॉय करिए। ये ऐसा हमारा स्टॉप लॉस हिट
होता भी है और कभी कभी नहीं होता। तो इन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना होता है कि मार्केट अगर देखते हैं 800 के ऊपर लगभग इसने 100 पॉइंट से ज़्यादा मोमेंटम दे दिया है। अभी इसमें 75,000 एक रेजिस्टेंस बना, अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए फिर 200 पॉइंट पे और 200 200 पॉइंट पे अपसाइड के लिए जाने के लिए रेडी रहेगा। तो देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन साथ में मार्केट एक रेंज में भी फंसा हुआ है, इस वजह से आपको थोड़ा देख के ही ट्रेडिंग करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।